आज हम बनाएंगे गड़बड़ फालूदा। मैंगलोर कर्नाटका साइड फालूदा मिलता है, उसे गड़बड़ कहा जाता है। उसमें हल्का सा ये डिफरेंस रहता है कि इसमें काफ़ी फ्रूट्स का यूज़ किया जाता है। 3 फ्लेवर्स के आइसक्रीम डाले जाते हैं और काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं इसमें। काफ़ी टेस्टी रहता है ये और इसे बनाना काफ़ी आसान है। तो देखते हैं हमें इसे कैसे बनाना है। हमें लगेगा रोज सिरप, मैंने घर पर ही बनाया है। इसकी रेसिपी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थोड़ा सा सब्जा मैंने भिगो के रखा था, वो लिया है हमने। थोड़ी सी वर्मिसली मैंने बॉईल करके उसमें थोड़ा सा कलर डाला है। जो भी फ्रूट्स आपको पसंद है वो भी आप इसमें डाल सकते हो। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, थोड़ा खजूर भी लिया हुआ है। इसमें जली भी जाती है पर मेरे पास जली नहीं थी, तो मैंने घर पे बना हुआ फ्रूट पुडिंग या फिर मिल्क जली यूज़ किया हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थोड़ा सा फ्रूट कस्टर्ड लिया है मैंने, आप नॉर्मल दूध भी ले सकते हो ठंडा वाला। तो चलिए बनाते हैं अब हम गड़बड़। सबसे पहले हम डालेंगे रोज सिरप, उसमें जाएगा थोड़ा सा सब्जा, फिर जाएगी हमारी वर्मीसेली, फिर हम डालेंगे जो मिल्क जली या फिर नॉर्मल जली अगर आपके पास हो तो वो डालिए, फिर हम इसमें डालेंगे फ्रूट कस्टर्ड या फिर आप नॉर्मल दूध भी डाल सकते हो ठंडा वाला। आपको जो भी फ्रूट्स पसंद है वो भी आप डाल सकते हो इसमें। फ्रूट ही गड़बड़ का यूनिक इन्ग्रीडियंट है। अब हम डालेंगे इसमें आइसक्रीम। एक्चुअली इसमें 3 फ्लेवर के आइसक्रीम डाले जाते हैं पर मैंने यहाँ पे एक ही फ्लेवर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, अगर आपके पास टूटी फ्रूटी ना हो तो वैसे मैंने यहाँ पे खजूर यूज़ किया है वैसे आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स डालेंगे अब हम इसमें, जो भी आपकी फेवरेट ड्राई फ्रूट्स है वो डालेंगे हम। फाइनली इसके ऊपर अब हम डालेंगे एक चेरी। चेरी ना हो तो मैंने यहाँ पे एक अंगूर आधा कट करके यूज़ किया हुआ है। तो बिल्कुल रेडी है हमारा गड़बड़ फालूदा। आप देख सकते हो कितना कलरफुल है और देखने में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बस दिखने में नहीं है, टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपका कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करें।